हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राज्यसभा में किसान बिल के खिलाफ हंगामे पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस, टीएमसी और आप समेत चार पार्टियों के 8 सांसदों को सदन से 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया। कल कृषि बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ी। छीना झपटी में उपसभापति हरिवंश का माइक तक टूट गया। अपने सांसदों के निलंबन पर ममता बनर्जी ने कहा, मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। कांग्रेस भी बोली, लोकतंत्र की आवाज को दबाया गया। राज्यसभा में 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुए सभी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना दिया। सभापति वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश पर भेदभाव की कार्यवाही के विपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया। कहा, विपक्षी सांसदों ने ही तोड़े हैं नियम। कृषि के नए कानूनों पर पीएम मोदी आज फिर बोले। कहा, नए कानून किसान और मंडियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, इनसे तो किसानों को अब ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत बधाई देता। पंजाब में अब भी कई जगह किसानों का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी सांसद सनी देओल से नाराज दिखे किसान। गुरदासपुर से ही सांसद हैं सनी देओल। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी बोले, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश के साथ बदसलूकी हुई, वो बिहार के नेता हैं, बिहार की जनता चुनाव में अब विपक्ष को जवाब देगी। तमाम विरोध के बीच कृषि के नए कानूनों पर सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार का साथ दिया। नीतीश बोले, 14 साल पहले बिहार में हमने ऐसे ही बदलाव किए। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को और तोहफे दिए। आज करीब 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। सीएम नीतीश कुमार भी जुड़े। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी नाव जैसी दिखने वाली गाड़ियों से प्रचार करेगी। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह है नौका। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किल और बढ़ेगी। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष अब पुलिस में केस दर्ज कराएगी। अभी सिर्फ ट्विटर पर पीएम से मांगी थी मदद। पायल घोष के आरोपों को निर्देशक अनुराग कश्यप ने गलत बताया है, लेकिन एबीपी न्यूज से पायल घोष ने कहा, झूठ बोल रहे हैं अनुराग। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली पायल घोष को मिला बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का साथ। रूपा ने संसद परिसर में धरना देकर अनुराग पर एक्शन की मांग की। ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को नारकोटिक्स ब्यूरो भेज सकता है समन। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ड्रग्स केस में आए हैं दोनों के नाम। यूपी में योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल जारी। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। जेल से छूटने के बाद गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान आज दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले। कफील की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई थी फटकार। मध्य प्रदेश उपचुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोटरों को लुभाने की कोशिश का वीडियो वायरल। बीजेपी समर्थक पर लगा आरोप। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलाने की मांग की। अभी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए चालू है लोकल ट्रेन। मुंबई के पास ठाणे में इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। 3 मंजिला इमारत में 20 परिवार रहते थे। फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। भिवंडी में एनडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे से 2 बच्चों समेत कई लोगों को जिंदा निकाला गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की बटालियन पर हमला कर आतंकी मौके से भागे। हमले में कोई घायल नहीं है। इलाके की नाकेबंदी कर तलाश जारी।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश, बॉर्डर पर पाइप के जरिए ड्रग्स तस्करी का खेल, खुफिया एजेंसी आईएसआई है सबके पीछे। कोरोना की वजह से पूरे देश में आज 1130 लोगों की मौत हुई, करीब 87,000 नए केस आए, देश में अभी 10 लाख लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में कोरोना केस बढ़ने की वजह से धारा 144 लागू है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर समेत दर्जन भर जिलों में अब भीड़ जुटाई तो कार्रवाई होगी। आज से कई राज्यों में 9वीं से और 12वीं तक के लिए स्कूल खुल रहे हैं। इन क्लासों के छात्र माता पिता से पूछकर स्कूल में टीचर से मिल सकेंगे, पूरी पढ़ाई अभी शुरू नहीं होगी। अभी सिर्फ एमपी, बिहार, हरियाणा, आंध्र और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में स्कूल खोले गए हैं। दिल्ली, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। आज से हो सकेगा ताज का दीदार। अनलॉक 4 में ऐतिहासिक धरोहर आम लोगों के लिए खोली गई। अभी फिलहाल एक दिन में 5,000 पर्यटकों के आने के लिए छूट है। यूपी के आजमगढ़ में एक ट्रेनी जहाज खेत में क्रैश हो गया, एक ट्रेनी पायलट की मौत हुई है, हादसे की जांच जारी है। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद पर बुजुर्ग किसान की हत्या हो गई, नाराज लोगों की भीड़ ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। यूपी के हरदोई में प्रशासन की टीम पर हमला हुआ, अवैध कब्जे वाली जमीन का नाप लेने गई थी टीम। चीन की चमचागिरी नेपाल को अब भारी पड़ रही है। चीन ने अब नेपाल के हुमला जिले में जमीन कब्जा कर अवैध इमारतें बनाना शुरू किया। भारतीय नौसेना में महिला शक्ति की एक और उपलब्धि, पहली बार 2 महिला अफसरों को वॉरशिप पर हेलीकॉप्टर की निगरानी टीम का हिस्सा बनाया गया। आईपीएल में आज कोहली की बेंगलुरु टीम की टक्कर हैदराबाद से होगी, हैदराबाद की टीम 2 बार आईपीएल चैंपियन रह चुकी है।